हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे स्टडी कर रहे थे। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर तक में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चंस को देखा था, उसके आगे का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अ कैपेसिटर कैपेसिटर फर्स्ट ऑप्शन है, ऑफर्स इजी पाथ टू एसी बट ब्लॉक्स डीसी। ऑफर्स इजी पाथ टू एसी बट ब्लॉक्स डीसी। दूसरा है, ऑफर्स इजी पाथ टू डीसी बट ब्लॉक्स एसी। ऑफर्स इजी पाथ टू डीसी बट ब्लॉक्स एसी। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है, ऑफर्स इजी पाथ टू बोथ। थर्ड ऑप्शन है, ऑफर्स इजी पाथ टू बोथ। ऑफर्स इजी पाथ टू बोथ एसी एंड डीसी। एंड फोर्थ ऑप्शन, ब्लॉक्स एसी। अब देखिए, यहाँ से कैपेसिटर को जब किसी एसी सर्किट में हम लोग लगाते हैं, तो वो जो कैपेसिटर होता है वो एक डेफिनेट अमाउंट का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को, एसी सर्किट को। और डीसी सर्किट के कंडीशन में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। और यदि ऑपोजिशन इनफाइनाइट हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मान लीजिए यदि वो ऑपोजिशन इतना ताकतवर हो जाए कि वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर करंट पास ही नहीं होगा। तो वैसे परिस्थिति के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए। कैपेसिटिव सर्किट के लिए लिखेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस is given by, capacitive reactance is given by xc is equal to 1 by omega c. What is the meaning of xc? This xc is the capacitive reactance. xc is equal to 1 by omega c, and now omega, which is the angular frequency having value 2 pi nu, xc is equal to 1 by 2 pi nu c. xc is equal to 1 by 2 pi nu c. देखिए, 4AC फॉर अल्टरनेटिंग करंट, न्यू हैज सम फाइनाइट वैल्यू। किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन एक निश्चित वैल्यू होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम।
एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो फॉर एसी न्यू हैव सम फाइनाइट वैल्यू बट फॉर डीसी, बट फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट करंट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जिसके कारण जो उसका फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू जीरो। फॉर एसी न्यू हैज सम फाइनाइट वैल्यू बट फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स सी इज इक्वल टू वन बाय टू पाई इंटू जीरो इंटू सी। एक्स सी इज इक्वल टू वन बाय जीरो, एक्स सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब जैसे वी इज इक्वल टू आई आर, तो ई इज इक्वल टू आई एक्स सी, आर के जगह एक्स सी, तो यहाँ से आई डी सी फॉर डायरेक्ट करंट, ई बाय एक्स सी, देन आई डी सी इज इक्वल टू ई बाय इन्फिनिटी, आई डी सी बराबर जीरो। वाट इज द मीनिंग दैट आई डी सी इज इक्वल टू जीरो? इसका यही मीनिंग हुआ कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है और अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। डायरेक्ट करंट को इसलिए ब्लॉक कर देता है बिकॉज उसका वैल्यू आ जाता है जीरो। यहीं पर यदि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे तो उसके लिए न्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, और उसके कारण कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, और उसी रेसिस्टेंस या और अच्छा वर्ड उसके लिए है रिएक्टेंस के कारण करंट फ्लो करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑफर्स इजी पाथ टू एसी बट ब्लॉक्स डीसी। क्यों? क्योंकि आई डी सी का वैल्यू जो आ गया वो जीरो आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट द करंट फर्स्ट ऑप्शन इज इन फेज विथ वोल्टेज, द करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज। सेकेंड ऑप्शन है लैग्स बिहाइंड जनरेटर वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड जनरेटर वोल्टेज। थर्ड वन लीड्स जनरेटर वोल्टेज, एंड फोर्थ वन है नन ऑफ दीज। देखिए एलसीआर सर्किट में करंट इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उस पर सही बैठता है? फर्स्ट ऑप्शन है इज इन फेज विद वोल्टेज, तो किसी एलसीआर सर्किट में करंट का बिहेवियर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए या उसको जानने के लिए हम लोगों को उसका फेजर डायग्राम का ज़रूरत पड़ेगा, उसी के आधार पर हम लोग अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। तो यदि हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं
दिस इज आई, वी एल वी सी, दिस इज वी एल माइनस वी सी, दिस विल बी वी आर, दिस इज फाई। ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया, ये हर एक सर्किट के कंडीशन में वोल्टेज तथा करंट के बिहेवियर को कंसीडर करते हुए बनाया। फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में लाई कर रहा है। सेकंड जो कंडीशन है इसमें हमने VL को आगे दिखाया है। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगा। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, वोल्टेज अगर उस कैपेसिटर। तो देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है कि इज इन फेज विथ वोल्टेज, ये तभी संभव है जब ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, जो कि अभी नहीं है। लैग्स बिहाइंड द जनरेटर वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज से लैग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, जनरेटर वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है। एक में लीड्स जनरेटर वोल्टेज और नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न में ओनली यदि वोल्टेज दिया हुआ रहता तो ये वोल्टेज को कब लीड करता? यदि कैपेसिटिव सर्किट का कंडीशन देखेंगे तो ये जो है करंट वो वोल्टेज को लीड करता, लेकिन यहाँ पर जनरेटर वोल्टेज लिख दिया और लैग किया है तो बोल रहा है कि लैग कर रहा है जनरेटर वोल्टेज को। नहीं, वहाँ से भी ये आपको लैग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर वोल्टेज का वैसा कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं रहता है। LCR सर्किट में ऑल इन ऑल इंडक्टर का काम क्या होता है? सर्किट के किसी भी ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को अपोज करना। कैपेसिटर एक्चुअली एनर्जी स्टोर करता है, और जो रेसिस्टर है वो पाथ में हिंड्रेंस पैदा करता है, जब करंट पास होता है तो उसको अपोज करता है। इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इसको सही नहीं बतलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, R by L has the dimension of, R by L has the dimension of, first option time, mass, length or frequency. Time, mass, length and frequency. देखिए R by L ये किसके डायमेंशन को बताता है? यहाँ पे जो R है बता रहा है रेसिस्टेंस को, और जो L है वो बता रहा है इंडक्टेंस को। R बता रहा है रेसिस्टेंस को, और जो L है वो बता रहा है इंडक्टेंस को। एंड नाउ आफ्टर दिस R और L का डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले R के लिए क्या लगा सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, से R इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई आई। वेरी फेमस ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, और V होता है W बाई क्यू आई। एंड नाउ कुछ बेसिक चीज़ आ जाने से हम लोग फिर इजीली उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे W स्टैंड फॉर वर्क डन, तो वर्क डन का हो जाएगा M L2 T-2
उसी तरीके से है, जैसे चार्ज है इसका हो जाएगा 80 और करंट का लिखेंगे ए, वर्क डन का ML2T-2, चार्ज का 80 और करंट का ए, आर इज इक्वल टू ML2T-3 A-2। एक ही बार में कंप्लीट सॉल्व करके लिखा गया है, ये T-2 है और ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो T-3, एक्चुअली T-2 था, एक और माइनस बन जाएगा तो T-3, A और A मल्टीप्लाई होके A2 जो कि ऊपर जाके A-2। अब जो L का इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू LdIdt। ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू LdIdt। यहाँ से जो E है वो आपको EMF को बताएगा, एंड EMF इस फॉर एक्चुअली इंडक्टेंस निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखने का बेसिक रीजन है कि अभी अभी जस्ट हम लोगों ने जो V है उसके विषय में W/Q करके एक फॉर्मूला यूज किया है, तो देन इसके लिए आप जैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं W/Q और LdIdt, W×dt/Q×di इज इक्वल टू L। नाउ एक एक क्वांटिटी का बारे क्या क्या लिखा जा सकता है, जैसे वर्क डन है तो उसके विषय में हम लोग काफ़ी इजीली जानते हैं, ML2T-2। ML2T-2 टाइम का टी, चार्ज का 80 और करंट का ए, इसका हो जाएगा ML2T-2, एक टी यहाँ पर है बट एक टी कैंसिल हो जाएगा तो ओनली T-2 और ए मल्टीप्लाई होकर A2 जो कि ऊपर जाके A-2 इज इक्वल टू L। ML2T-2 A-2 इज इक्वल टू L। अब हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि R/L, तो देखिए R का डायमेंशन आया है ML2T-3 A-2 ML2T-2 A-2 R/L। देखिए एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि M से M कैंसिल हो जाएगा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि M0, L2 कैंसिल और L0, A-2 कैंसिल और A0, बट द रिमेनिंग टर्म इज हियर दैट T-3 और ये ऊपर जाएगा तो T2। तो देन यहाँ से हम लोग जैसे एक है T-3 और एक है T2, अब यहाँ से ओनली द क्वांटिटी वी विल हैव दैट R/L
इज इक्वल टू टी माइनस वन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे वन बाय टी। आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, देखिए ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी, दैट्स आर फ्रीक्वेंसी, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मीजर्स, इनमें से जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसको मेजर करता है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस पर कुछ विशेष वैसा लॉजिक तो नहीं आपको बताया जा सकता है, बट क्वेश्चन है कि द हॉट वायर, द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मीजर्स, फर्स्ट ऑप्शन पीक वोल्टेज, सेकेंड ऑप्शन RMS वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन एवरेज वोल्टेज एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित है, और इसमें इसका आंसर होगा RMS वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, बिकॉज जो पीक वोल्टेज होता है वो सिर्फ एक इंस्टेंट पर डिफाइन होता है, अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, और सिर्फ यदि एक पीक वोल्टेज को कंसीडर किया जाए तो सिंगल पॉइंट पे बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए करंट स्टे करता है, और उतना स्मॉल टाइम के लिए यदि करंट स्टे करेगा तो उससे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उस पर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। एक है एवरेज वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन अ कंप्लीट साइकिल आ जाता है जीरो, तो इसका वैल्यू सही आंसर होगा आरएमएस वोल्टेज, बिकॉज आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो कंप्लीट वैल्यू को देता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करते टाइम हम लोग मीन वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, और वैसे भी जब पावर का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं तो दैट्स ई वी आई वी कॉस फाई, ई वी इज़ द वर्चुअल वोल्टेज या वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, आई वी इज़ द वर्चुअल करंट, और अच्छे शब्द में बोलना है तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो वहाँ पर भी हम लोग आर एम एस वोल्टेज को ही कंसिडर करते हैं। अगला सवाल है दैट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू इज, फर्स्ट ऑप्शन आई आर एम एस रूट टू आई नॉट, सेकेंड ऑप्शन आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, थर्ड ऑप्शन आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू एंड फोर्थ ऑप्शन आई आर एम एस इक्वल टू टू आई नॉट। ये एक रिलेशन है जिसके विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी
पढ़ाई कर चुके हैं और ये डेरिवेशन हम लोग जब किए थे तो ईएमएफ और करंट दोनों के लिए सेम आंसर आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ईआरएमएस है दैट इज़ आवर ई नॉट बाय रूट टू, और जो आईआरएमएस होता है दैट्स आवर आई नॉट बाय रूट टू। और रूट टू का यदि वैल्यू को ही हम लोग पुट कर देते हैं तो वहाँ से 1.41 वैल्यू बैठाते हैं, फिर उसके बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.7 समथिंग करके आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इन गिवन क्वेश्चन में जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में यहाँ पर आई नॉट बाई रूट टू होगा तो ये तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये यदि आंसर होता तो इसमें रूट लगाना पड़ता और वो भी टू में। थर्ड वन करेक्ट है, फोर्थ वन में टू आई नॉट लिखा हुआ ये भी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एसी के वो देखे, एंड इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो लो वोल्टेज एसी एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एसी एट लो करंट में कन्वर्ट कर सकता है एंड वाइस वर्सा। नॉर्मल लैंग्वेज में यदि समझे तो एक ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकता है उसी को ट्रांसफार्मर कहेंगे। आप ट्रांसफार्मर के बारे जो थियोरिकल पोर्शन है जिसमें हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड वन मोर थिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप डिटेल्ड स्टडी करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। Take care of yourself. Thank you very much. Bye.